फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करते हैं और स्मार्ट आर्ट क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, तो स्टार्ट में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंसर्ट, तो होम के बाद इंसर्ट, इसमें क्लिक करना है। इंसर्ट में आपको हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक है स्मार्ट आर्ट, तो स्मार्ट आर्ट में क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ग्राफिक्स दिखेगा। तो ये जो रेडीमेड कुछ ग्राफिक्स आपको दिया हुआ है, तो इसमें से आप अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपको कुछ बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडीमेड कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल लिस्ट प्रोसेस इस तरह से दिया हुआ है साइकिल। तो आपको अगर यहाँ से कौन सा चीज़ बनाना है, तो मुझे यहाँ पर प्रोसेस में सिलेक्ट करता हूँ। तो प्रोसेस में सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे कुछ इस तरह से दिखाना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ किसी भी एक ग्राफिक्स को। अगर मैं बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से मैं क्लिक किया, उसके बाद इसको ओके करना है। तो ओके करने के बाद यह यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो आने के बाद इसको किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है यार, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है, तो मैं टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे DC। तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन दे देता हूँ। थ्री मंथ्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी लिखना है आप इस तरह से लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको इसको अगर कोई चेंजेस करना है, तो चेंजेस करने के लिए क्या करना है, आप इसमें क्लिक करके ऊपर में आपको यहाँ पे डिज़ाइन, तो डिज़ाइन दिया हुआ है, तो डिज़ाइन में कुछ रेडीमेड डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर और भी आपको डिज़ाइन चाहिए, तो आप नीचे जा सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। और भी कुछ दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ से लेना है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको इससे इसको भी चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप दूसरे किसी ग्राफिक्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, तो उसी डिज़ाइन में आ जाएगा। तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको भी हम यहाँ से अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से हम चेंज करेंगे, तो जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ इस तरह से, तो ऐसे शो हो रहा है। अब इससे कलर भी चेंज करना है, तो डायरेक्टली कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मल्टी कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ से चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत कुछ आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आप जो भी चाहे यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ करके, तो प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आप कुछ भी अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू।